कुछ ताजा तस्वीरें आ रही हैं बिहार से। पहले वो तस्वीरें हम आपको दिखाते जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि एक हाई टी का कार्यक्रम है, आज गणतंत्र दिवस है, इस सिलसिले में हाई टी का कार्यक्रम रखा गया है और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जरूर आ रही है, बिहार में बीजेपी और जेडीयू के अलायंस से लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। गिरिराज सिंह ने इस मीटिंग को लेकर कुछ बोला है, इस नई पॉसिबिलिटी को लेकर कुछ कहा है। अब क्या कहा है उन्होंने, आइए आपको बताते हैं। नीतीश हैं, जाते हैं, राजनीतिक परिदृश्य जो होगा वो देखा जाएगा। हैं, जाते हैं, राजनीतिक परिदृश्य जो होगा वो देखा जाएगा। नेता आते हैं, जाते हैं, राजनीतिक परिदृश्य जो होगा वो देखा जाएगा। अब देखिए अजय जी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव 1.5 घंटे तक एक साथ रहे लेकिन एक दूसरे से बात ना करें, ऐसा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच का रिश्ता होगा ये पहले तो कभी नहीं दिखाई दिया। और मनोज झा का ये कहना कि बीते 5 दिनों से एक संशय की स्थिति तो है, नीतीश कुमार को इसका खंडन करना चाहिए। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि सरकार तो गिरनी तय नजर आ रही है। अजय जी, आप अपने लाइट को सामने से ऑन करेंगे क्या, मुझे देखना है क्या? अजय जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। देवेंद्र, अब बीजेपी के अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो बीजेपी का कैलकुलेशन क्या है? अब लोकसभा में अगर सीटों के बंटवारे पर भी सोचे तो 2019 में जो उनका कैलकुलेशन था वो बिल्कुल सही साबित रहा। नहीं आ रही है, इस बार एलजेपी पार्टी टूट चुकी है, HAM भी है, उन्हें भी अकोमोडेट करना है, कुशवाहा है, उन्हें भी अकोमोडेट करना है, तो इस बार बीजेपी क्या कैलकुलेशन बिठा सकती है? अगर लोकसभा में सीटों के हिसाब से अगर आप बात करें तो जो आंकड़ा होगा वो 17, 17, 4 और 1 और 1 ऐसा आंकड़ा होगा। 17 बीजेपी, 17 जेडीयू जो कि पिछली बार भी उनका फॉर्मूला था, उसके अलावा 4 एलजेपी, उसके अलावा 1 उपेंद्र कुशवाहा के लिए पार्टी के लिए उनकी सीट के लिए और 1 जीतनराम मांझी के लिए। तो ये फॉर्मूला रहेगा लोकसभा चुनाव को लेकर, अगर ये साथ आने पे को लेकर पूरी औपचारिकता जो की गई है उसमें बातचीत का जो फॉर्मूला रहा था वो इसी प्रकार का फॉर्मूला रहा। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, ज़्यादा बड़ी समस्या ये थी कि क्या बीजेपी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये अफोर्ड कर सकती थी। प्रदेश के नेताओं की जो राय थी कि ना अकेले जाना चाहिए, निश्चित तौर पे बिहार के अगर आप जातिगत समीकरण के हिसाब से अगर आप देखें मीनाक्षी, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला रहता है कि तीन दलों में से जो तीन प्रमुख दल हैं बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी, इन तीनों में से दो जिस तरफ रहते हैं ना उसका पलड़ा हमेशा ही भारी रहता है। और उस लिहाज से समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिए कितना मुफीद है कि लोकसभा चुनाव में अगर जेडीयू साथ आ जाती है। और दूसरी तरफ जेडीयू के लिहाज से अगर बात करें तो जो नीतीश कुमार को अगर ये लग रहा है कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनको अपदस्थ करने की कोशिश की जा रही है, और जब ये बातचीत हम लोग कर रहे हैं तो ये बात जो कही जाती है वो जेडीयू सोर्सेज से जो जानकारी मिलती है उसी को हम लोग सामने रखते हैं। बस फर्क ये रहता है क्योंकि पार्टी की मर्यादा रहती है तो वो नेता ऑन रिकॉर्ड इस बात को नहीं कहते, अन्यथा ये जानकारी वहीं से आ रही होती है। और अगर ऐसी स्थिति थी तो समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार के लिए भी ये कितना ज़रूरी था कि आरजेडी से छिटके और बीजेपी की तरफ आए। बीजेपी की जो का जो दूसरा चिंतन था वो इस आधार पर था कि नीतीश कुमार के पीछे जो वोट बैंक है नॉन यादव ओबीसी, उस वोट बैंक को भी ये मैसेज दिया जाए आगे की राजनीति के लिए। क्योंकि जेडीयू में अगर आप देखें तो नीतीश कुमार के लिहाज से पॉलिटिक्स बहुत लंबा बचा नहीं है और जेडीयू की पार्टी ऐसी नहीं है, जेडीयू पार्टी वन मैन पार्टी एक तरह से है कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही वो पूरी पार्टी चलती है। तो बीजेपी ने पूरे कह सकती है आपकी एक लंबे चिंतन के आधार पर ये इतना आसानी से फैसला किया कि भले ही नीतीश कुमार छोड़ के चले गए थे, दोबारा आ रहे हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। और बीजेपी की पोजीशनिंग देखें तो इस हिसाब से मुश्किल नहीं थी कि बीजेपी तो वहीं थी, वहीं है जहां वो थी, नीतीश कुमार छोड़ के गए थे, जब वो आ रहे हैं तो इसको स्वागत करने में परेशानी क्या थी बीजेपी को? मीनाक्षी जी, अजय जी, आपकी पार्टी कंफर्टेबल होगी नीतीश कुमार और बीजेपी के एक साथ आ जाने से? नहीं नहीं, देखिए ये बड़ा गठबंधन है और इसका फैसला पहले तो आधिकारिक घोषणा हो जाए बीजेपी की तरफ से। दूसरी बात यह है कि ये शर्त तो नीतीश बाबू की थी ना कि हनुमान नहीं चाहिए, चिराग नहीं चाहिए, तो अगर वो आज लौट करके आ रहे हैं तो हमें क्या टिप्पणी करनी है? ठीक है अजय जी, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ, लेकिन कुछ तस्वीरें आ गई हैं वो पहले दर्शकों को दिखा दें। इस वक्त आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री का काफिला निकल चुका है सीएम हाउस से
और अब राजभवन की तरफ आगे बढ़ते हुए हाईटी का कार्यक्रम है, जहां पर आज राज्यपाल से उनकी मुलाकात होनी है। अब आज की मुलाकात, हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र भी जुड़ गए हैं। नीतीश, आज की मुलाकात तो एक औपचारिक मुलाकात है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं कि कल इस्तीफा हो सकता है, सबकी नजरें तो इस बात पर टिकी हैं। जी हाँ, बिल्कुल, अभी तो एक औपचारिक समारोह है, चूँकि स्वतंत्रता दिवस को लेकर, गणतंत्र दिवस को लेकर एक हाईटी राजभवन की तरफ से रखा जाता है। और हम आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं जहाँ पर हम मौजूद हैं। और यहाँ देखिए, काफ़ी जो शहर के अलग अलग क्षेत्र के गणमान्य लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला राजभवन के अंदर दाखिल हो चुका है, और ठीक सामने की जो तस्वीर आप देख रही हैं, वहाँ पर तमाम जो मंत्री हैं वो बैठे हुए हैं। विधान परिषद के सभापति देवेश ठाकुर, इसके अलावा अशोक चौधरी, पटना की मेयर सीता साहू, ये तमाम चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला पहुंच चुका है। नीतीश कुमार यहां पर आ भी गए हैं, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार की तस्वीर राजभवन के अंदर, हालांकि आज एक औपचारिक समारोह, लेकिन यही नीतीश कुमार एक बार फिर अगले 24 से 48 घंटे के अंदर जब दाखिल होंगे राजभवन के अंदर, उस समय की तस्वीर कुछ अलग होगी, उस समय का माहौल कुछ अलग होगा। लेकिन इससे पहले जो सियासी चर्चा पूरे देश में चल रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये तस्वीर भी कम गंभीर नहीं है। अच्छा, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को तो इनवाइट किया ही जाता है, तेजस्वी यादव जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, बेशक इनवाइट तो उन्हें भी किया गया होगा, अभी तक तस्वीरों में वो नजर नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, ये भी देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव यहाँ पर आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि अभी जो स्थिति है, जो हालात हैं, उसमें तेजस्वी यादव यहाँ आते हैं या नहीं आते हैं, ये भी मायने रखता है काफ़ी। और निश्चित रूप से ये सबकी नज़र इस बात पर होगी, और हमारा भी इस बात, हम भी इस बात के इंतज़ार में हैं कि क्या तेजस्वी यादव यहाँ पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं। लेकिन अब RJD की तरफ से जिस तरह से खुलकर बातें कही जा रही है, जिस तरह से ये कहा गया है कि इस संबंध में अपनी बात स्पष्ट करें, मनोज झा ने कहा है RJD के नेता कि अपना रुख जो है वो स्पष्ट करें कि जो खबरें चल रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो अब ये देखना होगा कि RJD भी अब खुलकर अपनी बातों को रख रही है, और शायद उसका ही ये असर होगा कि तेजस्वी यादव शायद यहाँ पर ना आए, और यदि आते भी हैं तो फिर नीतीश कुमार से जब उनका आमना सामना होगा तो वो तस्वीर भी बड़ी दिलचस्प होगी। और इससे पहले पटना के गांधी मैदान में जब आज गणतंत्र दिवस समारोह था, वहाँ भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच की जो दूरी है वो नज़र आ रही थी, और वहाँ दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी, और बिल्कुल एक अजीब सा दृश्य था वहाँ पर। मैं वही रिपोर्ट्स पढ़ रही थी नीतीश, और मैं इसी बात को लेकर अनुप्रिया जी आपके पास आ रही हूँ। एक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का एक साथ एक मंच पर होना और 1.5 घंटे तक बात ना होना, ये कोई नॉर्मल सिचुएशन तो है नहीं अनुप्रिया जी? यानी कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आपके अभी बोलने पर रोक है लेकिन पर्दे के पीछे चल रहा है। नहीं मीनाक्षी जी, मेरे बोलने पर कतई रोक नहीं है, रोक होती तो मैं शायद आपके चैनल पे नहीं बैठी होती। देखिए, ये एक बहुत ही अलग सवाल है, एक हाइपोथेटिकल सवाल है आप जो पूछ रही हैं कि दो मुख्यमंत्री और डिप्टी CM अगर साथ में बैठे हैं, बातचीत नहीं हुई, परिस्थितियां क्या है? आज देखिए, आज गणतंत्र दिवस है और उस उपलक्ष्य में झंडोत्तोलन जो है महामहिम राज्यपाल को करना था, तो कई बार ऐसा होता है कि बैठकें होती हैं। कल भी आपने देखा, कैबिनेट की बैठक हुई, 15 मिनट के बाद वो खत्म हो गई, ब्रीफिंग नहीं हुई है, तो बहुत बड़ा सवाल नहीं है। मुझे लगता है कि इतनी हलचल या इतनी उत्सुकता मुझे लगता है कि बिहार में दिखाने की जरूरत नहीं है। जो भी फैसले होंगे, और मुझे लगता है कि जो अभी तक तो हमें यह है कि महागठबंधन की सरकार चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है, हम 7 निश्चय पाटकू के साथ में है, और जो भी निर्णय लिया गया वो महागठबंधन के साझा रणनीति के हिसाब से यहाँ फैसले लिए गए हैं। चाहे आप देखिए रोजगार की बात हो या जितने भी शिक्षा विभाग की बात हो सकते हैं, नौकरी की बातें हो सकती हैं, तो बहुत ही सुचारू रूप से बिहार चल रहा है। और ये कयासों की राजनीति या मैं कहती हूँ कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं हो सकता मीनाक्षी जी। अच्छा, हाइपोथेटिकल आप इससे कह रही हैं, लेकिन प्रियंका जी जो मनोज झा ने कहा वो तो हाइपोथेटिकल नहीं है। आपकी पार्टी ये बात तो मान ही रही है ना कि 5 दिनों से एक संशय सब बना हुआ है और उस पर एक स्पष्टीकरण JDU को देना चाहिए। जी, पर मीनाक्षी जी, ये संशय बनाया किसने, तेजस्वी यादव ने या नीतीश जी ने? ये तो हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया है, ये तो क्रिएट किया हुआ है BJP का और उसे चला रही है मीडिया। तो संशय हमने बनाया नहीं। हाँ, संशय दूर करने की जिम्मेदारी
हमारी जरूर है क्योंकि ठीक है चल रहा है तो जवाब हम देंगे, क्योंकि हम जन के बीच रहते तो जन के सवालों का जवाब हम देने के लिए बाध्य हैं और हम देंगे। और इसी के लिए मनोज झा जी भी लगातार बोल रहे हैं कि ये जो संशय बना हुआ उसको मुख्यमंत्री जी ही दूर करेंगे और वो करेंगे, जल्द करेंगे और सभी के सवालों का जवाब सभी को मिलेगा। और बार बार आप अभी चला रही थी गिरिराज सिंह जी का बयान कि वो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन गिरिराज सिंह जी वो व्यक्ति हैं जितने बार दिन में वो राम का नाम नहीं लेते उतने बार वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं। आपको पता होगा कि वो रूरल डिपार्टमेंट मिनिस्टर हैं लेकिन मनरेगा का इतना सारा फंड कट हो गया। आप ठीक कह रही हैं, ये कयासों की राजनीति है, लेकिन कुछ तो मैंने जैसे थोड़ी देर पहले देवेंद्र से हमारे सहयोगी से कहा था, कुछ आग होती है तभी तो धुआं होता है। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र भी जुड़े हुए हैं, अभी भी उप मुख्यमंत्री दिखाई नहीं दे रहे हैं। जीतनराम मांझी भी दिखाई दे गए, नीतीश कुमार भी दिखाई दे रहे हैं, दोनों के बीच में हंसते मुस्कुराते बातचीत भी हुई है, लेकिन डिप्टी सीएम कहाँ है? जी हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है कि तेजस्वी यादव यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। कार्यक्रम का आमंत्रण होता है, एक औपचारिक समारोह होता है और हर बार इस मौके पर डिप्टी सीएम जो भी रहा हो वो हाजिर रहता है, उपस्थित रहता है, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं पहुँचे हैं। और ये साफ तौर पर बता रहा है कि अभी जो राजनीतिक हालात हैं उसके मद्देनज़र तेजस्वी यादव ने ये फैसला लिया होगा। तेजस्वी नीतीश कुमार की मुलाकात जीतनराम मांझी से अभी हुई है, दोनों ने आपस में बातचीत की है और अभी हम आपको जो सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं वो अशोक चौधरी बैठे हुए हैं और नीतीश कुमार अशोक चौधरी के बीच बातचीत हो रही है। इस बीच राज्यपाल जो तमाम गेस्ट यहां पर पहुंचे हुए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए गए हैं और जो नीतीश कुमार हैं वो अशोक चौधरी से बात कर रहे हैं। अशोक चौधरी मोबाइल में कुछ जानकारी दे रहे हैं, मोबाइल में कुछ दिखा रहे हैं नीतीश कुमार को और जाहिर है कुछ जो जानकारी होगी वर्तमान हालात से संबंधित उसकी जानकारी दी जा रही होगी, लेकिन इंतज़ार अभी भी सबों को कि तेजस्वी यादव आते हैं या नहीं आते हैं। हालांकि अब इसकी संभावना बहुत कम लगती है क्योंकि जो एक औपचारिक कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम शुरू हो चुका है और मुख्यमंत्री के पहले डिप्टी सीएम को आना होता है एक प्रोटोकॉल के अनुसार, तो ये अब बहुत कम इस बात की संभावना लग रही है कि तेजस्वी यादव यहाँ पर पहुँचेंगे और ये साफ तौर पर बता रहा है कि अब आगे क्या कुछ होने वाला है। अच्छा, एक तस्वीर है नीतीश, एक तस्वीर है जो आज दर्शकों को थोड़ा सा दिखाना और इसमें संकेतों को बताना बहुत जरूरी है। जिस वक्त अशोक चौधरी आए आप देखिए सीट के ऊपर एक पर्ची लगी हुई थी, उन्होंने उस पर्ची को हटाया, ये देखिए इस तस्वीर को, वाय एक पर्ची लगी हुई थी उन्होंने उस पर्ची को हटा दिया और फिर उस सीट पर बैठ गए, उस चेयर पर बैठकर फिर नीतीश कुमार से वो बात करने लगे। अब इस तस्वीर का संकेत ये है कि तेजस्वी यादव को जिस चेयर पर बैठना था वहां से उनके नाम की पर्ची हटा दी गई। अशोक चौधरी जो कि कैबिनेट में मंत्री भी हैं, जनता दल के ही जेडीयू के ही नेता हैं, वो वहाँ बैठ गए, कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपस में शेयर हुई है, कुछ फोटो भी उन्होंने दिखाई है, मोबाइल भी दिखाया है, अब क्या चर्चा हो रही है ये तो ये दोनों नेता ही जाने, लेकिन इस पर्ची को हटाना और फिर चेयर पर बैठ जाना ये एक बड़ी मैसेजिंग है। अशोक चौधरी ने कुर्सी से तेजस्वी का नाम हटाया, तेजस्वी यादव के नाम की पर्ची हटाई और फिर वो इस चेयर पर बैठ गए। इस तस्वीर को जरा बड़े गौर से देखिए और अब जो आरजेडी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं यहाँ पर मौजूद हैं, प्रियंका जी ये तस्वीर तो अब आपने भी देख ली। अगर वो पर्ची हटा रहे हैं, मुझे तो उसमें तेजस्वी जी का नाम दिख नहीं रहा है, पर्ची हटाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, वो किनका पर्ची हटा रहे हो तो उनको मालूम होगा, थोड़ा जूम इन करेंगे तो मैं भी दिख जाए, लेकिन अगर हटा भी रहे हैं बैठ के बात भी कर रहे हैं तो वो खुद कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी फाड़ के तो नहीं हटा रहे हैं। मतलब आप प्रियंका जी कैसी बात कर रही हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके पास उनके पार्टी का एक नेता आकर बैठता है, वो ऐसे भी बैठ सकते थे, नाम की पर्ची को हटा देना और फिर वहां पर बैठ जाना, इसका मतलब एक इशारा तो है ना। अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, ऐसी कोई गतिविधि कर रहे हैं तो ये तो उनका निजी निजी अच्छा है। ये बता दीजिए प्रियंका जी, आप कंफर्टेबल हैं अगर ये हो रहा है, आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता का नाम अगर हटा दिया जा रहा है, आप कंफर्टेबल तो हैं? देख नहीं पा रही हूँ तो मैं कैसे कोई क्लू दूं आपको, मुझे तो दिख नहीं रहा है। बड़ा धर्म संकट हो गया देवेंद्र, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़ा धर्म संकट हो गया इस वक्त आरजेडी नेताओं का, इस तस्वीर को वो कैसे डिफेंड करें और आलोचना भी करें तो करें कैसे? बिल्कुल मीनाक्षी, और आप देखें कि एट होम कार्यक्रम में नहीं आना, क्या वो भी उनको स्वाभाविक लग रहा है?
नेम प्लेट को जो चेयर पे चिपकाया गया उसको फाड़ के उस तरह से हटाया जा रहा है, वो भी उनको स्वाभाविक लग रहा है। रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया था और जिस तरह के ट्वीट किए थे, क्या वो भी उनको स्वाभाविक लग रहा है? उस ट्वीट को फिर डिलीट कर दिया जाना, क्या वो भी उनको स्वाभाविक लग रहा है? नीतीश कुमार का राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने से इनकार कर देना, क्या वो भी उनको स्वाभाविक लग रहा है? इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सीधे सीधे बता रही हैं। लेकिन जैसा कि पहले मीनाक्षी मैंने आपको कहा था कि प्रवक्ताओं के सामने मर्यादा की समस्या होती है कि वो चाह कर भी, जानते हुए भी, हकीकत जानते हुए भी बोल नहीं सकते, क्योंकि उनकी बोली हुई लाइन पार्टी की लाइन होती है और जब पार्टी में अंतिम फैसला कुछ हो जाए, सब कुछ तय हो जाए, तभी बोला जाता है। तो ये मजबूरी उनकी समझी जा सकती है, अन्यथा बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है ये किसी के लिए भी अब छुपा हुआ नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस होगी, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि चीजें किस दिशा में जा चुकी हैं। आप ठीक कह रहे हैं। अनुप्रिया जी, आप बहुत मुस्कुरा रही हैं। अगर मान लीजिए उन्होंने पर्ची फिनाम हटा भी दिया अशोक चौधरी जी ने, तो नीतीश जी तो उन्हें रोक सकते थे ना, उन्होंने भी नहीं रोका। इसका मतलब जो कुछ हो रहा है सब कुछ उनकी परमिशन से हो रहा है, सब कुछ उनके इशारे पर हो रहा है। नहीं नहीं, आपको मुझे लगता है कि मीनाक्षी जी, प्रियंका जी ने कहा कि हमें तो ये दिख ही नहीं रहा है कि किसकी पर्ची और किसकी पर्ची को हटाया गया है। निश्चित तौर पे वो चेयर खाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर बातें करनी है तो एक वो मुझे लगता है कि शिष्टाचार भी होता है कि किसी और के आप नेम प्लेट पर नहीं बैठेंगे गेस्ट, क्योंकि अब आधिकारिक रूप से कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। जो भी अतिथि पहुंच चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई अतिथि आने वाले हैं, तो ये शिष्टाचार होता है कि आप किसी के नाम के चेयर पर नहीं बैठे। वो अगर रिमूव किया गया तो बहुत ही, मैं फिर कह रही हूँ मीनाक्षी जी, बहुत हलचल की बात नहीं है, बहुत इतनी परेशान होने की बातें नहीं है। या कोई ऐसा भी तो नहीं है कि प्लानिंग चल रहा है कि मुख्यमंत्री जी मना करेंगे, वो अशोक चौधरी जी ने किनका नाम हटाया नहीं हटाया मैं तो देख भी नहीं पा रही हूँ। आप मुझे एक बार, मैं उनसे सहमत हूँ आरजेडी की प्रवक्ता से, कि एक बार आप जूम इन करेंगे तो शायद हम बता पाएंगे किनके नामों को उन्होंने हटाया है। ठीक है, कुंतल जी आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब इन तस्वीरों से तो संकेत जो आ रहे हैं उस पर आप स्पष्टीकरण दे दें, बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में बात बन गई है? नीतीश कुमार अशोक चौधरी को अपने बगल में बैठा रहे हैं? मीनाक्षी जी, तो तस्वीर आप दिखा रही हैं और जैसा आप बता रही हैं कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे उप मुख्यमंत्री की पर्ची हटा करके अशोक चौधरी जी बैठ गए, तो इससे किसी और राजनीतिक संभावना तो मुझे दिखती नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं, हम लोग पिछले 40-45 मिनट से संभावनाओं को तलाश रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखेगा, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास रखेगा, जो बिहार के विकास की बात करेगा, उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। कोई भी व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को मान लेगा, उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, उसे हम मान लेंगे। ये बात, ये जो संभावनाएं हम तलाश रहे हैं उस पर मैं पूर्ण विराम लगा देता हूं। कोई भी हमारा साथी, हमारे पुराने साथी, हमारे नए साथी, अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को मान लेंगे तो हमारे हमारे सारे दरवाजे उनके लिए खुले। ठीक ठीक है सर। नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। नीतीश, क्या ये जो फिटिंग अरेंजमेंट है वो आप पूरा समझा सकते हैं? एक चेयर यहाँ पर राज्यपाल की दिखाई दे रही है, तो जरा पूरा फिटिंग अरेंजमेंट बताएं, किसके बगल में किसे बैठना था और कौन कौन नदारद है? जी देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहाँ पर बैठे हैं, हम आपको उनकी तस्वीर पहले दिखा दें, और उसके ठीक दाहिनी तरफ जो कुर्सी खाली नजर आ रही है वो कुर्सी राज्यपाल के लिए है। राज्यपाल चूंकि अभी गेस्ट से मिल रहे हैं पूरे मैदान के हिस्से में अलग अलग जाकर, इसलिए वो कुर्सी अभी खाली है। और नीतीश कुमार के दूसरी तरफ जो आपको काले कोट में नज़र आ रहे हैं वो अशोक चौधरी बैठे हैं, और इसी जगह पर तेजस्वी यादव के नाम की कुर्सी लगी हुई थी जिसे अशोक चौधरी ने फाड़ दिया और फिर वहाँ बैठ गए। ये बताता है कि आश्वस्त थे अशोक चौधरी कि तेजस्वी यादव नहीं आ रहे हैं, हालांकि समय भी उस समय तक हो चुका था, फिर भी उस पर्ची को फाड़ना ये साफ तौर पर बताता है कि तेजस्वी यादव नहीं आ रहे हैं, इसको लेकर अशोक चौधरी आश्वस्त थे। और ठीक मुख्यमंत्री के बगल में ये स्वाभाविक भी है कि डिप्टी सीएम की कुर्सी होगी। और अभी देखिए, विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष, विजय सिन्हा आए नीतीश कुमार के साथ अभिवादन करते हुए और अशोक चौधरी के ठीक बगल में आकर बैठे हैं विजय सिन्हा। यहाँ पर आरजेडी का कोई भी नेता मौजूद नहीं है, और जो तमाम दूसरे चेहरे भी हमें नज़र आ रहे हैं, अब हम आपको बाएं तरफ की तस्वीर और दिखाते हैं। सीता साहू पटना की मेयर हैं, अवधेश नारायण सिंह
ये बीजेपी के नेता हैं, विधान परिषद में सभापति रह चुके हैं, और इसके बाद एक पूर्व मंत्री हैं बीजेपी के, प्रमोद कुमार, वो नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी के ही सिर्फ नेता हैं। अब दूसरे हिस्से का सिटिंग अरेंजमेंट हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल के दूसरी तरफ देवेश चंद्र ठाकुर बिहार विधानसभा के सभापति हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी, और उनसे बातचीत कर रहे हैं उनके बगल में जीतन राम मांझी। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट है, बीच में राज्यपाल की कुर्सी, और देखिए विजय सिन्हा से नीतीश कुमार की जो बातचीत है और जिस अंदाज में बातचीत हो रही है, दोनों मुस्कुरा रहे हैं। ये तस्वीर बता दे रही है कि क्या कुछ होने जा रहा है। ये सबसे बड़ी तस्वीर कह सकते हैं अभी तक की नीतीश कुमार की, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा से जो बातचीत हो रही है, बीजेपी के नेता से जो बातचीत हो रही है। बीच में अशोक चौधरी हैं, और जिस अंदाज में बातचीत हो रही है, आप देखिए जरा उनके चेहरे को, जितने चेहरे पे मुस्कान है, हंसी है, जो एक तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं, ये भी बता रहा है कि आगे क्या कुछ होने वाला है। इसी राजभवन में अगले कुछ घंटे में क्या कुछ होने वाला है, ये तस्वीर बता दे रही है। ये क्या ये कहा जाए देवेंद्र, शिष्टाचार मुलाकात से थोड़ी आगे की बात हो सकती है, एक कंफर्टेबल मैनरिज्म्स दिखाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पर मीनाक्षी, बहुत आगे की बात हो चुकी है, अब शिष्टाचार वाला मामला रहा नहीं है, सब कुछ लगभग तय हो चुका है। अब बस आप देखें कि कब वो इस्तीफा देना है, कल उनको किस समय जा रहे हैं, मूवमेंट कल से ही शुरू होना है, जो बिग मूवमेंट जिसे कहते हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं कि RJD अभी तक वहाँ पर सरकार में है और डिप्टी CM एट होम कार्यक्रम में ना जा रहे हों। आप पूरे देश में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं देख सकते, क्योंकि हर जगह ये एट होम कार्यक्रम होता है गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के दिन। आज गणतंत्र दिवस के दिन ये एट होम कार्यक्रम हो रहा है, दिल्ली में राष्ट्रपति करते हैं, वहाँ पर भी जितने लोग इन्वाइटी होते हैं एक एक व्यक्ति जाते हैं। और यहाँ पर अगर डिप्टी CM ना आ जाए, नहीं आ रहे हो, तो अपने आप में बड़ा सबूत हो जाता है कि हाँ, चीज़ें उनको भी रियलाइज हो चुकी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आधिकारिक तौर पर RJD तब तक इसे नहीं स्वीकारेगी जब तक JDU की तरफ से इस बात का ऐलान ना किया जाए। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि RJD की तरफ से कुछ नेताओं के मार्फत ये कोशिश की जा रही है कि शायद नीतीश कुमार को समझाने में सफल रहें, लेकिन ये मामला काफी आगे जा चुका है। लेकिन लालू यादव अब तक चुप क्यों है, तेजस्वी यादव अब तक चुप क्यों है? नीतीश कुमार को तो जो करना है वो बहुत चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। देखिए दो चीज़ें, एक तो ये कि बोल के उनको अभी क्या फ़ायदा होना है, तो वो जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि कुछ नेताओं के मार्फत ये कोशिश की जा रही है, कल भी कोशिश की गई थी, दो नेता ऐसे थे जो कि जिन्होंने ये समझाया टटोलने की कोशिश की थी। और नीतीश कुमार के बारे में पहले हम लोगों ने बताया था कि वो पिछली बार जब BJP से अलग हुए, तो उनके अलग होने के ठीक एक दिन पहले जब गृहमंत्री अमित शाह ने उनसे फ़ोन करके पूछा था कि ऐसी ऐसी चीज़ें मीडिया में चल रही है, कुछ हकीकत है क्या, उन्होंने तब इनकार कर दिया था। तो समझ सकती हैं कि इस बार भी नीतीश कुमार अपने मुंह से आखिरी समय तक बोलेंगे नहीं, और वहां पर बहुत कुछ हासिल नहीं होना है, क्योंकि एक बार जब वो डिसीजन ले लेते हैं तो उस डिसीजन पे उनको रिग्रेट करना होता है तो 6-7 महीने बाद ही करते हैं, उससे पहले वो रिग्रेट नहीं करते। और कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने निर्णय लिया है, बाद में रिग्रेट भी किया है, तो निर्णय लेने के समय वो बहुत ज्यादा वापो में नहीं रहते हैं, एक बार डिसीजन लेने के बाद वो कदम बढ़ा लेते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, इस वक्त की बड़ी खबर और ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। तेजस्वी यादव को जिस चेयर पर बैठना था वहां से उनके नाम की पर्ची को हटाकर JDU नेता अशोक चौधरी वहां पर बैठ गए। RJD का एक भी चेहरा इस हाई टी में मौजूद नहीं है, और जब BJP के नेता भी यहां पर आकर बैठते हैं तो जिस तरीके की चर्चा उन लोगों के बीच होती है, जिस तरीके का कंफर्टेबल एनवायरमेंट दिखाई देता है, उससे परिस्थिति एकदम स्पष्ट नजर आ रही है।